हाउ डज आवर बॉडी रेस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनिल इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड। अब एड्रेनिल कौन सिक्रेट करता है, तो एड्रेनिल सिक्रेट करते हैं एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड सिक्रेट करते हैं एड्रेनिल। ये कहाँ पर होते हैं, तो ये होते हैं बच्चों किडनी के ऊपर, जहाँ किडनी हमारी होती है, किडनी के जस्ट ऊपर जो है येलो कलर के एड्रेनल ग्लैंड होते हैं दोनों तरफ, और ये प्रोड्यूस करते हैं एड्रेनिल। अब हमारी बॉडी कैसे रेस्पॉन्ड करती है एड्रेनिल जब सिक्रेट होता है बॉडी के अंदर, तो वो हमें समझना है, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एट द टॉप ऑफ किडनी, ठीक है, और किडनी एक्सक्रेशन सिस्टम का पार्ट है, हम पहले पढ़ चुके हैं। अब समझो एड्रेनिल जब सेक्रेट होता है, जब एड्रेनिल निकलता है एड्रेनल ग्लैंड से, तो ये एड्रेनिल कैसे काम करता है, एड्रेनिल एक्ट एज ए बॉडी नेचुरल डिजास्टर, सॉरी नेचुरल डिफेंस ड्यूरिंग स्ट्रेस। तो जब हम तनाव में होते हैं तो हमें तनाव से उभरने में कौन मदद करता है, एड्रेनिल मदद करता है। एड्रेनिल एक हार्मोन है, एड्रेनिल क्या है, हार्मोन है, ठीक है, जो किससे निकलता है, एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, ये भी बात समझने। अब ये एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है, जैसे कि जब हम कहीं टेंशन में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है तो उस समय वो सप्लाई बढ़ा देगा ऑक्सीजन की, ब्लड को अधिक ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत होगी, तो इट इंक्रीज द हार्ट रेट टू डिलीवर मोर ऑक्सीजन टू द मसल्स। तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हार्ट रेट को बढ़ा करके ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा देता है मसल्स में, कौन, एड्रेनिल। हार्ट रेट बढ़ेगा तो ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगी कहां पर, मसल्स में, और ये क्या करेगा, जो ऑर्गन्स को जरूरत नहीं है इस समय, या जिन ऑर्गन्स को इस समय ज्यादा फंक्शन करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए ऑक्सीजन सप्लाई को कम कर देगा, जैसे हमारे स्किन है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये जहां पर भी अभी करंटली ऑक्सीजन की सप्लाई की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो वहां पर वो ब्लड की सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर देगा, कौन, एड्रेनल जो हार्मोन है वो करवाएगा इस चीज को, व्हाइल रिड्यूसिंग द ब्लड फ्लो टू द नॉन एसेंशियल ऑर्गन। नॉन एसेंशियल मतलब जो स्ट्रेस के समय पर जिन ऑर्गन्स को एक्ट करने की खास जरूरत नहीं है, तो उन ऑर्गन्स के लिए ब्लड फ्लो कम हो जाता है, स्किन या डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सेट्रा, इस तरह से। और जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो उस समय ब्रीथिंग बढ़ाने का काम, ठीक है, ब्रीथिंग बढ़ाने का काम भी कौन करता है, एड्रेनल करता है, तो ब्रीथिंग रेट जो है वो बढ़ जाता है, ऑल्सो राइज टू मीट द ऑक्सीजन डिमांड, क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड किसकी बढ़ गई, ब्लड की बढ़ गई। अब ब्लड में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी तो हार्ट रेट बढ़ा और ब्रीथिंग रेट भी बढ़ा, ठीक है। तो ये जो कंबाइन इफेक्ट होता है, इस कंबाइन इफेक्ट प्रिपेयर द बॉडी टू रेस्पॉन्ड टू द चैलेंज। ये जो स्ट्रेस आया था ये किसकी वजह से आया था, किसी ना किसी चैलेंज की वजह से आया था, किसी ना किसी ऐसी सिचुएशन की वजह से आया था जिसके कारण आप टेंशन में आ गए, आप स्ट्रेस में आ गए, और जब आप स्ट्रेस में आ गए तो बॉडी ने क्या किया, एक डिफेंस सिस्टम तैयार किया, एड्रेनल सिक्रेट हुआ, हार्ट रेट बढ़ जाएगा और ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा, तो ब्लड में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ जाएगा, जिससे कि आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर पाए या उस सिचुएशन में रेस्पॉन्स कर पाए, ठीक है। तो इस तरह से जो है एड्रेनल फंक्शन करता है।